नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज, यह है उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास मौका है राष्ट्रीय गणित दिवस का। तो गणित हमारे जीवन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, कितना अहम रोल है गणित का हमारे जीवन में, उसको आज हम जानेंगे। तो गणित के जो विशेषज्ञ कहे जाते हैं उन पर आज बात रखेंगी डॉक्टर शिवानी, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। तो शिवानी, आप श्रीनिवास रामानुजम के बारे में आज जानकारी लेकर आए हैं, जो कि गणितज्ञ थे महान, नाम जिनके जन्मदिवस के मौके पर ही शायद इस दिवस को मनाया जाता है। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे श्रोताओं को उनके बारे में विस्तार से जानकारी दें। हेलो हल्द्वानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आज आपको पता है कि आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है, तो मैं आज हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। उनके जिंदगी के कुछ जो पल है उनको दोबारा देखना चाहूंगी। श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2012 में भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था। भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास यूनिवर्सिटी में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास के जन्म के 125वीं वर्षगांठ के समारोह के उद्घाटन के दौरान 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। और इसी साल के बाद से हमारे देश में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाने लगा। श्रीनिवास रामानुजम इयंगर का जन्म 22 दिसंबर 1887 को दक्षिण भारत के कोयमंटूर के इरोड नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम कोमल तामल और पिता का नाम श्रीनिवास इयंगर था। जब रामानुजम 3 वर्ष के थे तब तक वो बोल भी नहीं पाते थे, सबको लगता था कि शायद वो गूंगे होंगे, फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया। बाद में जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया तो प्रारंभिक शिक्षा में उनका मन ही नहीं लगता था, किंतु 10 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया था और आगे की पढ़ाई के लिए टाउन हाई स्कूल पहुंच गए थे। उन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेज के स्तर के गणित को पढ़ लिया था। हाई स्कूल में रामानुजम ने गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त किए, इस कारण उन्हें सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिली और आगे कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी मिला। लेकिन उनकी रुचि सिर्फ गणित में थी, जिस कारण वे गणित में तो अच्छे अंक लाते लेकिन और जितने भी विषय होते उसमें वो फेल हो जाते, इस कारण उनकी स्कॉलरशिप मिलनी उन्हें बंद कर दी गई। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजम ने फिर से 12वीं की प्राइवेट परीक्षा दी लेकिन वो दोबारा फेल हो गए। रामानुजम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए। रामानुजम की एक इष्ट देवी थी जिनका नाम था नामागिरी, उसमें उनको बहुत विश्वास था, इस कारण इतनी भी विपरीत परिस्थितियों के कारण उन्होंने मैथ्स नहीं छोड़ी और वो अपना शोध कार्य करते रहे। 1908 में उनके माता पिता ने उनकी शादी जानकी नामक कन्या से कर दी और जिस कारण वो नौकरी की तलाश में मद्रास आ गए। अब वो 12वीं पास नहीं थे तो उन्हें नौकरी मिलने में बड़ी परेशानी हो रही थी और उनका साथ ही साथ स्वास्थ्य भी गिर रहा था, जिस कारण वह अपने गांव लौट गए। बीमारी से ठीक होने के बाद वो दोबारा मद्रास आए। किसी के कहने पर वे डिप्टी कलेक्टर वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर ने रामानुजम की प्रतिभा को पहचाना और 25 रुपए मंथली स्कॉलरशिप का प्रबंध किया और रामानुजम ने अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था ऑन सम प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज नंबर। ये जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में पब्लिश हुआ था। एक साल बाद उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में ज्यादा काम नहीं होता था जिस कारण उन्हें अपने रिसर्च करने का टाइम मिल जाता था। रामानुजम रात भर गणित के नए फॉर्मूलाज लिखते थे और थोड़ी देर बाद आराम करके दफ्तर निकल जाते थे। रामानुजम के कुछ रिसर्च पेपर उनके दोस्तों ने लंदन के बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन के पास भेजा पर वहां से उनको कोई सहायता नहीं मिली। एक बार रामानुजम ने अपने कुछ फॉर्मूले कलेक्टर अय्यर को दिखाया तो उनका ध्यान प्रोफेसर हार्डी पे गया जो लंदन के प्रोफेसर थे। रामानुजम ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनसॉल्व क्वेश्चन के सॉल्यूशन खोज निकाले हैं। इसके बाद रामानुजम प्रोफेसर हार्डी को लेटर्स लिखने लगे। पहले
जब वो उनको लेटर्स लिखते थे, अपना शोध कार्य भेजते थे, तो प्रोफेसर हार्डी समझ नहीं पाते थे कि इनका शोध कार्य क्या है। पर जब उन्होंने अपने जो कलीग्स थे मैथमेटिशियंस, उनसे बात की, उनको उनके शोध दिखाए, उनसे सलाह ली, तो उनको ये पता चला कि जो रामानुजम है वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है और उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। और प्रोफेसर हार्डी ने सोचा कि मैं रामानुजम को कैम्ब्रिज बुला लेता हूँ, पर रामानुजम की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कैम्ब्रिज जा सके, तो उन्होंने हार्डी का जो इन्विटेशन था कैम्ब्रिज में आने का वो मना कर दिया। लेकिन हार्डी चाहते थे कि वो कैम्ब्रिज आए, तो उन्होंने उनके कैम्ब्रिज आने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करने की कोशिश की। इंग्लैंड जाने से पहले रामानुजम करीब 3000 से अधिक फॉर्मूलेस लिख चुके थे, और जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ठीक हुई और हार्डी ने भी मदद की, तो वो प्रोफेसर हार्डी के पास चले गए। जब वे इंग्लैंड गए तो वो अपना खाना खुद बनाते थे, और इस बीच उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर लिखे। एक रिसर्च पेपर के कारण उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री भी मिल गई। इसके बाद रामानुजम रॉयल सोसाइटी के फेलो नामित किए गए। रॉयल सोसाइटी में मेंबर होने के बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप भी उन्हें मिलने लगी, लेकिन उन्हें क्षय रोग हो गया जिस कारण उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था और उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। भारत आने पर उन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक की नौकरी भी मिल गई, किंतु उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी, और इस हालत में उन्होंने तब भी मैक थीटा फंक्शन पर एक हाई लेवल रिसर्च पेपर लिखा, और इस फंक्शन का अब उपयोग कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। उनका स्वास्थ्य बहुत ही गिर रहा था और जितने भी उनके जानने वाले थे सब परेशान थे कि इनकी स्वास्थ्य इतना खराब क्यों होता जा रहा है, पर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और 26 अप्रैल 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। रामानुजम को शून्य और अनंत, जीरो और इन्फिनिटी पे रिलेशन निकालना बहुत अच्छा लगता था। वे धर्म और अध्यात्म को बहुत मानते थे। वो यहाँ तक कहते थे कि मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिसे मुझे अध्यात्म विचार ना मिलता हो। रामानुजम अपने सारे फॉर्मूलेस जो हैं वो रजिस्टर पे लिखते थे। उनका एक रजिस्टर 1976 में अचानक ट्रिनिटी कॉलेज के लाइब्रेरी में मिला, जिसमें करीब 100 पन्ने में फॉर्मूले लिखे गए थे जो आज तक पहेली बना हुआ है। वो फॉर्मूले तो लिख देते थे लेकिन उसका सॉल्यूशन, कितने ऐसे फॉर्मूले थे जिसका सॉल्यूशन कोई भी नहीं निकाल पाया, लेकिन वो जो फॉर्मूलेज होते थे वो सही होते थे, जिसमें से एक फॉर्मूला है 2n-1। इस मैथमेटिक्स डे में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ISI में पढ़ाने वाली एक प्रोफेसर नीना गुप्ता को मैथ्स के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो विकासशील देशों के युवाओं को मिलता है, DSI ICIP IMV रामानुजम पुरस्कार, उससे वो सम्मानित हुई हैं और वो विश्व की चौथी भारतीय और विश्व की तीसरी महिला है जिनको यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया था। तो शिवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने श्रीनिवास रामानुजम के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे लिसनर्स को दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम जी। तो दोस्तों, गणित दिवस के बहाने आपने श्रीनिवास रामानुजम के जीवन को जाना, उनके जीवन से आपको प्रेरणा मिली होगी, उन संघर्षों से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ गणित दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।